शेयर करूंगी कैरेमल सॉस की रेसिपी। बहुत इजी, बहुत ही टेम्परेटेशियस, बहुत मजे की रेसिपी है। उसमें जो चीजें चाहिए मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ, और उसके बाद फिर आगे इसको उसका प्रोसेस क्या है, इसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए जो मैंने चीजें यहाँ पे ली है, आधा कप चीनी, ये जो सिंपल ग्रेनुलेटेड शुगर होती है जो हम घर में यूज करते हैं, आधा कप चीनी इसमें ली है। व्हिपिंग क्रीम जो है वो मैंने इसमें अभी अपने पास ये अप्रोक्सीमेटली मैंने आइडिया से आधा कप रखनी है, क्योंकि जब हमारा कैरेमल तैयार होगा तो उसके हिसाब से हमारी ये क्रीम ऐड होगी, वो मैं आपको बताऊंगी। कैरेमल की और क्रीम की जो रेशो है वो एक 1:1 होनी चाहिए, मतलब एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, तो वो मैं आपको साथ में बता दूंगी। बाकी यहाँ पे मैंने अनसॉल्टेड बटर ले लिया 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी लिया है कैरेमल बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैन में चीनी ऐड करेंगे और इसमें पानी डालेंगे और बहुत मीडियम लो फ्लेम पे हमने काम स्टार्ट करना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो ये बहुत जल्दी क्रिस्टलाइज हो जाएगी या जल जाएगी, तो वो आपका कैरेमल बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। सो इसको बहुत हल्की आंच पे चीनी को आपने मेल्ट करना है। आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो रही है, बहुत ही स्लो हीट पे मैं काम कर रही हूँ। तो अभी ये चीनी टोटली मेल्ट हो गई है, और अब इसको मैंने थोड़ा थिक करना है, जैसे पहले कॉर्न सिरप तक की कंसिस्टेंसी पे जाएगा, उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते ये कैरेमल में चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो पूरी वीडियो में मैंने डिटेल बनाई है, आपको पता चलता जाएगा, तो स्टे ट्यून, आप एंड तक देखें आपको समझ आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि चीनी और पानी का ये मिक्सचर अब बॉयल होना शुरू हो चुका है, इसके बाद आगे हमारा काम स्टार्ट होगा। शुगर और वाटर का जो मिक्सचर है ये थिक होना शुरू हो गया है। अच्छा, इसमें कभी भी आपने कोई भी कोशिश करें कि लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लें या प्लास्टिक का स्पैचुला यूज़ कर लें, कोशिश करें कि कम आप स्टील का चम्मच यूज़ करें, उससे ज़रा क्रिस्टल बनने का होता है ज़्यादा खदशा, तो इसलिए आप प्लास्टिक या लकड़ी का चम्मच यूज़ करें। और अगर आपको मुश्किल है, नहीं है, तो फिर आप यूज़ करें स्टील का, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा इसको चम्मच नहीं इसमें चलाना स्टील का। आप देख सकते हैं कि थिक हो रहा है, इतने पे अगर कॉर्न सिरप बनाना हो तो जितना ये थिकनेस इसमें आई है, यहाँ पे इसको हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और हमारा कॉर्न सिरप घर में तैयार हो जाता है। उसकी भी एक डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ तक हमारा आ गया, इसके बाद आगे बहुत जल्दी ये कैरमलाइज होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर आपको फ्लेम का और मिक्सिंग का बहुत ख्याल रखना है, इक्वली कलर आए। जी, तो ये आप देख सकते हैं जितना थिक हो गया, अब यहाँ से हमारा कलर आना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से काम करना है आपने।
जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत हल्का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब क्योंकि ऑलमोस्ट ये मेरा रेडी हो गया, इसलिए मैं ये स्टील का विस्क इसमें यूज़ कर सकती हूँ। स्टार्ट में कोशिश करें कि आप स्टील ना यूज़ करें। जी तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत गोल्डन शेड आ चुका है कैरेमल का। लाइट रखना है तो आप इसको यहाँ पे भी उतार सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा डार्क शेड दूंगी क्योंकि जो बटर स्कॉच है वो उतनी लाइट शेड की पे उतरती है। कैरेमल सॉस जो है वो इतना थोड़ा सा इसको डार्क शेड दूंगी। अब इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पे ये बहुत गर्म है तो बहुत एहतियात से आपने आगे क्रीम ऐड करनी है। आपको यहाँ से इसकी रेशो का भी अंदाज़ा हो जाएगा, जितना कैरेमल है उतनी ही क्रीम ऐड करनी है। तो आप बड़े ही एहतियात से इसको ऐड करें। और मैंने यहाँ पे हैवी क्रीम नहीं ली क्योंकि मुझे कैरेमल थोड़ा ग्लेज़ की सूरत में चाहिए था। मैंने इसको ड्रिपिंग के तौर पे यूज़ करना था केक पे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको थिक सॉस मिले तो आप जो फुल फैट क्रीम होती है हैवी, आप वो यूज़ करें इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लम्ब्स बन जाएंगे तो इसको आपने फ़ौरन फ़ौरन मिक्स करना है, इसको ठंडे नहीं होने देना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए, कहीं से ये जमा हुआ ना रह जाए, क्योंकि ज़ाहरी बात है वो पता है कैरेमल है, उसको थोड़ा आपको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये स्टार्ट में टाइम लेगा, लेकिन इस तरह से मिक्स करने से ये सारे लम्स इसके ख़त्म हो जाएंगे और इतना थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा कि बाद में हम इसमें ईजिली बटर ऐड कर सकेंगे। अब इसमें बटर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। बटर मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लेज आया है बटर की वजह से इसमें। क्योंकि मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया था इसलिए मैं इसमें 1/4 से भी कम, 1/8 आप कह सकते हैं, या 1 चुटकी नमक इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारी कैरेमल सॉस रेडी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपने इसको मज़ीद थिक बनाना है तो आप फुल फैट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल थिक लिक्विड जैसे सॉस होती है वैसे बन जाएगी। तो अब इसको आप डिश आउट करें। ले जनाब, हमारी कैरेमल सॉस बिल्कुल रेडी है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें डिज़र्ट्स में, केक्स में, और मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो। थैंक यू।